हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैंने सोचा है कि एक मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं जिसमें जब हम एक किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और उसके बाद किसी प्राइवेट कंपनी को चेंज करते हैं तो हमें पीएफ अकाउंट, जो पीएफ अमाउंट रहता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं या उसे निकालते हैं, सेविंग अकाउंट में विड्रॉ करते हैं। तो एक प्रॉब्लम हमेशा सभी सभी के साथ होती है, वो प्रॉब्लम सभी फेस करते हैं और काफ़ी टाइम लगता है पर कोई किसी को बताता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊं कि जब भी कोई हम कंपनी स्विच करते हैं या कंपनी बदलते हैं प्राइवेट कंपनी, तो हमें पीएफ का एग्जैक्टली जो पीएफ अमाउंट है उसका हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ जानकारी आपको मैं ऑनलाइन बताऊंगा, उसके पहले कुछ बातें बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का जो पीएफ है वो ट्रस्ट चलाती है या फिर उसे गवर्नमेंट के थ्रू हैंडल किया जा रहा है। तो आप अपने भी जो भी आपका अकाउंट इस जो अकाउंट सेक्शन है उसमें जाके आप सबसे पहले ही पूछ लेना हमें चाहिए कि ये जो हमारा पीएफ कटता है वो गवर्नमेंट के थ्रू कट रहा, गवर्नमेंट उसे हैंडल करती है या आपका खुद का ट्रस्ट करता है। ठीक है, सपोज़ कुछ कुछ कंपनियां ट्रस्ट हैंडल करती है जिसमें कुछ रूल्स बिल्कुल अलग होते हैं और ये हमको तब पता चलता है जब हम कंपनी छोड़ देते हैं कि वो कितना परसेंट काटती है, क्या करती है। और जब आप किसी कंपनी को छोड़ते हैं और सपोज़ वो ट्रस्ट चलाती है तो उस समय वो आपसे पूछती है कि इस अमाउंट को, जो आपका पीएफ अमाउंट है, वो विड्रॉल करना है या उसे ट्रांसफ़र करना है आपकी करंट कंपनी में। तो इन केस हम क्या करते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने के जो एक लालच होता है वो हम समझते हैं और उसे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल चॉइस है, आप अपना ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और आप उसे निकाल भी सकते हैं। जनरली लोग ट्रांसफ़र करते हैं ताकि कौन माता मतलब कौन इतना प्रॉब्लम रहे, लेकिन मेरा तो ये सजेशन है कि उस पैसे को निकाल लेना चाहिए और अपने सेविंग अकाउंट में, और फिर बाद में उसे या तो एफडी कर दें या किसी भी इन्वेस्टमेंट में उसे लगा सकते हैं। तो इन केस अभी जो प्रॉब्लम है जो बताता हूँ मैं इशू, वो क्या है कि सबसे पहले आपने पूछ लिया कि वो ट्रस्ट चलाती है या नहीं, और उसने आपने यदि ट्रांसफ़र कर दिया तो जनरली जो ट्रस्ट चलाती है वो इमीडिएट पैसा आपका ट्रांसफ़र आपकी करंट कंपनी में नहीं करती है, वो काफ़ी टाइम लगाती है। वो टाइम 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, और मेरे केस में 1 साल हो चुका है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो टाइम कितना भी लगाती है ट्रस्ट, आप सिर्फ ईमेल कर सकते हैं और वो कुछ नहीं होता उसके आगे। ठीक है, आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि यदि आप कंपनी स्विच कर रहे हैं तो आप ये तो है नहीं कि आप एक कंपनी करेंगे, उस जैसे सपोज़ 1 ईयर में आप एक या दो कंपनी भी कर सकते हैं ना स्विच, तो वो पैसा आपका वहीं पर है, अभी उसी ट्रस्ट में पड़ा हुआ है, वो कोई 1 महीने 1 दिन में ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा। आपको लगता है कि 1 दिन में हो जाएगा, और ये वीडियो बनाने के पहले मैं आपको बता दूं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ईपीएफओ की साइट पे आपका अकाउंट बना हुआ है, आप अच्छे से जानते हो कि आपका ईपीएफओ में कैसे आप उसको एक्सेस करते हैं, कैसे आपका ईपीएफ अमाउंट देखना है, वो जो जानकारी मैं वो यहाँ नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको ईपीएफओ पे आपका अकाउंट बना हुआ है, आप अच्छे से अपनी सर्विस हिस्ट्री, आपका पीएफ का अमाउंट, आप उससे पूरा हैबिचुअल हो आप। ओके, उसके बाद की मैं कहानी बता रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, और जनरली हम जो गलती कर रहे थे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बनाए रहिए दोस्तों, ताकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कोई ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि लोग परेशान होते हैं और दूसरे को भी परेशानी में देखना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि ये सब आपकी हेल्प करें। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपको बना रहा हूँ। 3 कंपनियाँ मैंने ली है, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, उसका लेकर मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वीडियो देखने के बाद ये गलती मत करना आप जो मैं बता रहा हूँ। तो होप, और उसके बाद यदि आपको कुछ लगे कि कुछ सवाल हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये है कंपनी ए, जिसमें 2000 सपोज एग्जांपल 2015 से 2018 3 साल आपने वर्क किया, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, और इसका ये जो रहता है ये हमारा एक मेंबर आईडी होता है जो कि ईपीएफओ पे लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा। ओके, इस टाइप का कुछ। अब ये फर्स्ट कंपनी, आप सपोज़ ये कोई ट्रस्ट चलाती थी जिसमें मैंने 3 साल काम किया। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ से स्विच करके कंपनी बी में गया जिसमें 2008 से 2019 तक मैंने वर्क किया, और ये भी इसका कोई मेंबर आईडी है। उसके बाद जो सी कंपनी है वो मेरी प्रेजेंट है 2019 से लेकर अभी तक। तो इन सब पे जब आप अपने यूएन नंबर से लॉगिन करेंगे ईपीएफओ की साइट पे, तो आपको इन सब का डिटेल्स आराम से दिख जाता है कि आपने कब से कब तक कहाँ पे काम किया, आपका कितना पीएफ अमाउंट है, वो आप अपनी पासबुक में आराम से देख सकते हैं। अब ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है कि कभी भी आप किसी ट्रस्ट में वर्क कर रहे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं जिसका पीएफ अमाउंट कोई ट्रस्ट हैंडल करती है, तो कृपया करके आप जब भी वहाँ से निकलें तो अपना जो अमाउंट है वो, मेरा ऐसा सजेशन है कि वो अपने अकाउंट में ले लेना चाहिए, सेविंग विड्रॉ कर लेना चाहिए, उसके बाद उसका कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप ट्रांसफ़र करते हैं
तो जैसे कि सपोज़ यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र का डिसीजन लिया, फर्स्ट कंपनी से आपने जब सेकंड कंपनी में गए जो कि येलो वाली है, और आपने बोला कि ठीक है मेरा पीएफ का अमाउंट तो मेरा इस कंपनी से ही इस कंपनी में चले जाना चाहिए, तो इसके लिए आपने फॉर्म भर दिया, उनको दे दिया, सब ठीक हो गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक आपको इस कंपनी के पीएफ अमाउंट आपके ईपीएफओ पे शो नहीं होता है, जैसे यहाँ पे सपोज़ आपका 2 लाख है, वो 2 लाख इधर ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है, तब तक आप इस कंपनी से आपकी करंट कंपनी में ट्रांसफ़र मत कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे सपोज़ आपने ये कंपनी छोड़ी और इस कंपनी का ट्रस्ट का पीएफ अमाउंट आपको अभी तक मिला ही नहीं है, वो अभी पेंडिंग चल रहा है जो कि जनरली होता है, और आपने ये कंपनी ज्वाइन कर ली 2018 में, अब आप बार बार कम्युनिकेट कर रहे हैं फर्स्ट कंपनी से, मतलब मेरा पीएफ अमाउंट आया कि नहीं आया, आप इधर देख भी सकते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट जो चलाती है ना उसका डिटेल आपको ईपीएफओ पे नहीं शो होता है, आपको उससे डायरेक्टली बात करना पड़ेगी। जब तक वो उस फिर आपसे वो फॉर्म 13 मांगेगा, है ना, फॉर्म 13 आपको ईपीएफओ की साइट पर मिलता है, डाउनलोड करना पड़ता है, और वो यहाँ पर मैनुअली आपको फर्स्ट कंपनी को सेंड करना पड़ता है। ओके, उसमें डिटेल रहता है कि आप इस कंपनी से उस कंपनी में गए हो, उसका कितना अमाउंट है, तो वो फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो सिंपल सा ये लॉजिक है कि इस कंपनी का पीएफ जब तक इस कंपनी में नहीं आ जाता है, जब आप लॉगिन करेंगे, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, तो जब गवर्नमेंट के थ्रू पीएफ चलता है तो आप इसका पूरा डिटेल ईपीएफओ देख सकते हो। तो मेरा कहना है कि यदि आप करंट एम्प्लॉयर ये इस कंपनी के हैं, तो जब तक ये पैसा इसमें नहीं आ जाता ना, तब तक हमेशा कम्युनिकेट करते रहें इस कंपनी से, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका पीएफ इस कंपनी के पीएफ अमाउंट में ले लें, और वो शो होना चाहिए पीएफओ पे, ये आप कंफर्म करें। अब यदि सपोज़ आपने थोड़ा ढीला छोड़ दिया, थोड़ी आपने मतलब थोड़ा आलसीपन दिखा दिया, और आप सपोज़ इस कंपनी से स्विच होके 1 साल में इस कंपनी में चले गए, कभी कभी होता है ऐसा, है ना, अब इस कंपनी में आप चले गए 2019 में, है ना, ग्रीन वाली जो दिख रही है, अब वो जो पैसा है ट्रस्ट वाला अभी वो यहीं रुका हुआ है, ठीक है, इसमें, और इस बीच आपने शायद 5-6 महीने आपने इस येलो वाली कंपनी में, कंपनी बी में आपने काम कर लिया, और आपने ईपीएफओ पे लॉग इन करके इसका पैसा, येलो वाली कंपनी का पैसा जो था पीएफ का 3-4 महीने का, वो इधर डाल लिया, ठीक है, इधर से इधर आपने ईपीएफओ से मतलब ऑनलाइन जो क्लेम करते हैं वो आपने इस कंपनी से इस कंपनी में कर दिया, ये मत करना भैया, क्योंकि आपने यदि ये यहाँ से इसमें कर दिया ना, तो ये जो ट्रस्ट का पैसा जो अभी यहाँ अटका हुआ है वो तो क्या करेगा, इसी कंपनी में डालेगा, सेकंड वाली में, वो थर्ड वाली में नहीं डालेगा, वो जो डालेगा ना वो आपकी सेकंड कंपनी में डालेगा, वो थर्ड वाली में नहीं डालेगा, क्योंकि फॉर्म 13 में लिखा हुआ है कि आपने इस कंपनी फर्स्ट कंपनी से सेकंड कंपनी में काम किया है, तो उस फॉर्म 13 में ये मेंशन रहेगा प्रीवियस एम्प्लॉय, और सेकंड रहेगा आपका पीला वाला, तो वो इसमें से इसमें भेजेगा। लेकिन बाय चांस आपने पहले से ही इससे इसमें ट्रांसफ़र कर दिया सेकंड कंपनी से थर्ड में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य है, ये मेरा एक वो है कि आप, है ना, कभी भी कोई कंपनी में रहे ना, तो आपकी करंट कंपनी में जब भी आप काम करते हैं तो उसमें प्रीवियस कंपनी का जो पीएफ है वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, वो ईपीएफओ की साइट पे दिखना चाहिए, आप ये लॉगिन करके तुरंत कंफर्म करें। और यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आज ही इमीडिएट आप अपना अकाउंट बनाएं, और सबसे पहले देखें कि मेरे पीएफ में कितना अमाउंट है, आपको कुछ भी लगता है तो आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से तुरंत मतलब कॉन्टेक्ट करें, और उसका जो भी इशू है वो रेजोल्यूशन करें। बस मेरा ये कहना है कि कभी भी आप जो बीच की कंपनी है, और आप यदि आपका करंट एम्प्लॉयर ये है सी कंपनी, और आपका पैसा यदि फर्स्ट कंपनी में अटका हुआ है, तो आप कभी भी जल्दबाजी ना करें, सेकंड कंपनी का थर्ड में मत डालें जब तक कि ये फर्स्ट कंपनी का पीएफ सेकंड कंपनी में ना आ जाए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो में थोड़ी जानकारी मिल रही होगी, और यदि फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में आराम से कमेंट कीजिए मुझे, मैं उसका आंसर दूंगा। बस मेरा ये उद्देश्य था कि कोई भी कंपनी आप स्विच करते हैं तो उस कंपनी में इमीडिएट आपका पीएफ अमाउंट ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि बाद में यदि हुआ और यदि कोई फर्स्ट कंपनी ट्रस्ट चला रही है तो आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप मेरे हिसाब से तो क्या करें, जब भी कोई ज़्यादा अमाउंट हो तो उसको विड्रॉल करें, और उसको नए इन्वेस्टमेंट में लगाएं, एफडी करें 5 साल की, उसको म्यूचुअल फंड में लगाएं, और तो और अपने ज़रूरत की चीज़ें लें, जिससे आप सर्विस लेते हो, कुछ भी चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, पैसा हमेशा बहना चाहिए, बहना चाहिए इन द सेंस यूज़ होना चाहिए, तो वो पैसा है तो किसी किसी अच्छी चीज़ में लगाएं, है ना, और ऐसा नहीं है कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और ये गलत है, ठीक है। तो होप कि ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और मेरा जो चैनल है उसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।